बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 16 मार्च है और दिन है बुध का। तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो आमिर खाकवानी साहब, जो बड़े मारूफ कालम निगार हैं, उन्होंने काफ़ली के हवाले से क्या लिखा। एक अमीर अब्बास साहब का ट्वीट है, वो आपके सामने रखूँगा। और तीसरे नंबर पर मैंने 2018 में एक तहरीर लिखी थी, उसका उनवान था मियाँ शरीफ का आलम अरवा से अपने बेटे नवाज शरीफ के नाम खत। उसका जिक्र इसलिए करूँगा कि उसमें जनरल ज़ियाउल हक़ के हवाले से मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी। और ये उन दिनों की बात है जब मरियम नवाज़ साहब बने, बड़े बयान अदालत के अंदर दिए थे कि जो दो नंबरी हुई हैं, जो फ्राड हुए हैं, और इन सब ने वो हमारे दादा ने किए हैं, और वो उनसे जाके आप पूछ लें, और वो क्योंकि कब्र में आप पूछ नहीं सकते तो हमारा कोई कसूर नहीं है। और साथ ही मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एहतसाब अदालत में एक बड़ी जज्बाती तकरीर की थी एक सवाल के जवाब में, जब वो अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था कि तमाम डिक्टेटर्स की रूहों को अदालत में तलब करके पूछा जाए कि क्यों उन्होंने मुल्क की जमहूरी हुकूमतों को नहीं चलने दिया, और भुट्टो और बेनज़ीर की रूह को भी बुला के पूछा जाए कि आपके साथ क्या क्या जुल्म और ज़्यादतियाँ की थी उस वक्त के डिक्टेटर्स ने। पहले अमीर अब्बास साहब ने ट्वीट किया चौधरी साहबान के लिए, वो ये कहते हैं कि चौधरी बरादरान का रख रखाव और सियासी फहम का एक ज़माना मोतरफ है, लेकिन इस बहरान में सबसे कमज़ोर, हल्की, गैर यकीनी और कच्ची चाल काफ़िले ने चली है। अगर आपने इत्तेहाद छोड़ना था तो किसी खरे चौधरी की तरह सीने पर हाथ मार कर कहते कि हम जा रहे हैं, वरना अलल ऐलान कहते कि हम साथ खड़े हैं। अच्छा, अब आ जाएँ जो आमिर खाकवानी साहब ने लिखा। वो कहते हैं कि मुमकिन है, ये शेख रशीद ने जब बयान दिया और मुनस लाई साहब ने उनकी मजम्मत की उसके, और कहा कि ये हमारे बुज़ुर्गों से पैसे लेते रहे, उस पर वो कहते हैं आमिर खाकवानी साहब, मुमकिन है शेख रशीद स्टूडेंट लीडर के दौर में चौधरी ज़हूर लाई से पैसे लेता हो। काफली की सियासी ब्लैकमेलिंग पर बात मगर शेख रशीद ने दुरुस्त कही। अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार ने लाहौर में अपनी 26-27 साल सहाफत में चौधरीों से पैसे तो क्या उनकी एक वाक की रोटी भी नहीं खाई, और मैं गवाही देता हूं कि चौधरीों की सियासत नहायत अफसोसनाक, मुनाफकत आमेज़ और सियासी ब्लैकमेलिंग से भरपूर रही। अपनी चंद सीटों के साथ इमरान खान ने इन्हें बेपनाह हिस्सा दिया, वो सब कुछ जो वो सोच सकते थे उन्होंने, मगर मुसलसल सियासी मुनाफकत और ब्लैकमेलिंग से काम लिया, बार बार धोखे, दगा, साजिशें, जोड़ तोड़। आखिरी तजर्बे में चौधरी बहुत हल्के और नाकाबिले एतमाद साबित हुए। मूनस लाई के बुज़ुर्ग चौधरी ज़हूर लाई अगर आज जिंदा हो जाते तो सख्त शर्मिंदा और रंजीदा हो जाते, वो किसी से आंख मिलाने के काबिल ना रहते। ये कहते हैं आमिर खाकवानी साहब। फिर आमिर खाकवानी साहब ने लिखा कि आज एक बहुत मज़े का फ़िक्रा सुना। काफली के बारे में कहा गया कि अगर 1.5 लीटर कोक की बोतल मंगवाई जाए तो पार्टी की लीडरशिप इतनी मुख्तसर है कि गिलास गिलास पीने के बाद इस एक बोतल से भी चंद घूंट बच जाएंगे। ऐसी हालत के साथ मुसलसल कई रोज़ से चौधरी ये खबर सुना रहे हैं कि हम मुशावरत कर रहे हैं। किस से मुशावरत भाई साहब? मुशावरत पार्टी का मुशावरती इजलास होता तो दोनों भाई, उनकी औलाद और एक आध बाहर का होता है। सराइकी की मिसाल है, एक साहब हर जगह बुलंदोबांग अंदाज में कहते कि हमें दावतनामा दोगे तो आएंगे, हमने ये किया वो किया वगैरह वगैरह। किसी ने पूछा साईं ए हम कौन हैं? जवाब मिला हिक मैं तहक मेडा नाई हजाम। बस कर दो सरकारां, कितनी ब्लैकमेलिंग और सौदेबाजी करनी है, ऐसा ना करो कि लोग सियासत और सियासतदानों से ही चिढ़ने लग जाएं। अब आ जाएं, मैंने एक तहरीर लिखी थी 27 मई 2018 की बात है, तकरीबन 4 साल इस तहरीर को होने वाले हैं, और इसका मैं तनाजुर बता चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जब डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ फ़ौजी जो हुक्मरान रहे हैं उनके ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे थे, जिन्होंने मार्शल लॉ लगाए, और उसमें ज़ाहिर जनरल ज़ियाउल हक़ भी शामिल हैं, और वो तो इनके मोहसिन हैं, इनके रूहानी वालिद हैं, और साथ ही मरियम नवाज़ साहिबा, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, इन्होंने सब कुछ अपने दादा पर डाल दिया था कि जो दो नंबरी अफराड होते हैं वो हमारे दादा करते रहे। उनवान मैंने यही दिया था, मियाँ शरीफ मरहूम का आलम अरवाज़ से अपने बेटे नवाज शरीफ के नाम खत। बेटे नवाज़, सख्त अजियत में हूँ। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब केस एहतसाब अदालत में चल रहा था, इनकी चोरी सारी पकड़ी गई थी, ये साबित नहीं कर सके थे, जस्टिफाई नहीं कर सके थे, रसीदें नहीं दे सके थे, बता नहीं सके थे पैसा कमाया कैसे, भिजवाया कैसे, और रसीदें कहाँ पे, कुछ भी नहीं बता पाए थे, और एहतसाब अदालत में इनका ट्रायल चल रहा था। बेटे नवाज़, सख्त अजियत में हूँ, 2 साल हो चुके हैं, एक अजीब तमाशा लगा हुआ है। पाकिस्तान से जो भी रूह यहाँ आती है वो आकर मुझे बहुत कुछ बताती है और मज़ीद तड़पा कर रख देती है। मुझे पता चला है कि तुम्हारी सारी जायदादों का भांडा फूट चुका है, तुमने बच्चों के नाम पर जो फ्लैट्स खरीदे, जो मिलें लगाईं, वो सब कुछ सामने आ चुका है। मुझे ये भी पता चला था कि इस बार किसी जज से तुम्हारी फ़ोन पर बात नहीं हो सकी। तुमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस खोसा, जस्टिस जाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद शेख, जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस जाजुल अहसन को डराने के लिए जो इकदाम किए उनका भी उल्टा असर हुआ, जजेस डरने की बजाय मजीद डट गए।
ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे ये तो हरगिज़ नहीं थी कि तुम इस सब का मलबा मुझ पर डाल दोगे। मैंने तुम्हारी खातिर दुनिया में किस किस से झूठ नहीं बोले थे। भूल गए हो कि कैसे मैंने चौधरी शुजात के सामने कुरान उठाया था कि अगर नू लीग जीत गई तो पंजाब तुम्हें दे देंगे, लेकिन जब तुम्हारी पार्टी जीती तो मैं अपने ही उठाए गए उस कुरान से ही मुकर गया। शायद अल्लाह की ज़ात मुझे उसी की सज़ा दे रही है कि जिस बेटे की खातिर तुम कुरान उठाकर मुकर गए थे, आज वो तुम्हारी क्या नेकनामी करता फिर रहा है। तुमने लूट मार, फ्रॉड और धोखे का इल्ज़ाम खुद ही मुझ पर लगा दिया। किस लिए? सिर्फ इकतदार बचाने के लिए। तो क्या बच गया फिर तुम्हारा इकतदार? तुमने जो किया सो किया। 3 रोज़ पहले मेरी पोती मरियम नवाज ने भी कह दिया कि अगर कुछ हेरा फेरी हुई है तो इसके ज़िम्मेदार मेरे दादा हैं। तुमने अपनी बेटी के हाथों भी मुझे रुसवा कराया। तुम सोच रहे होगे कि ये सारा खेल 2 साल से चल रहा है, लेकिन मैं अब तुम्हें क्यों खत लिख रहा हूँ? यानी ये पनामा आने के बाद इन्होंने सब कुछ मियाँ शरीफ पर डाल दिया था, तो मियाँ शरीफ कह रहे हैं कि मैं ये तो 2 साल से खेल तमाशा जारी था, तुम ये कर रहे हो, तो मैं तुम्हें अब क्यों खत लिख रहा हूँ? हाँ, मैंने 2 साल यहाँ सब की बातें सुनी, लेकिन मैं माना थोड़ी कि मेरा बेटा ऐसा कह सकता है। सबके सामने मुकरता रहा। मैं तुम्हें यह खत लिख कर भी एहसास ना दिलाता, लेकिन कल मेरे पास जनरल ज़ियाउल्लाह की रूह आई थी। शायद तुम्हें अब यह भी बताना पड़े कि कौन ज़ियाउल्लाह, क्योंकि जो बेटा अपने सगे बाप को रुसवा करा सकता है वो अपने रूहानी बाप को भी शायद भूल चुका हो। हाँ, वही ज़ियाउल्लाह जो तुम्हें सियासत में लाया था, जिसके तुम जूते उठाते थे। तुमने इतनी बार ज़िंदगी में मेरे हाथ नहीं चूमे होंगे जितने तुमने ज़ियाउल्लाह के हाथ चूमे थे। वही ज़ियाउल्लाह जिसने लाहौर कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खुदा मेरी उम्र तुम्हें दे दे, यानी नवाज शरीफ को दे दे। इस पर तुम्हारी माँ ने ज़ियाउल्लाह से कहा था कि आप मेरे बेटे को बहुत बड़ी दुआ दे रहे हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि खुदा गवाह है, सोच समझ कर और ईमानदारी से अपने जज्बात का इजहार कर रहा हूँ। हाँ, वही ज़ियाउल्लाह जिसकी वफ़ात के बाद तुम कई रोज़ तक खामोश रहते थे। तुम्हारी माँ मिन्नतों से तुम्हें खाना खिलाती थी कि बेटे नवाज, अल्लाह की रज़ा पर सब्र करो, अब वो वापस नहीं आ सकते, और तुम कहते थे कि मैं उनके बाद तन्हा रह गया हूँ। हाँ, वही ज़ियाउल्लाह मेरे पास आए और कहने लगे कि जानते हो क्या कहा है तुम्हारे बेटे ने मेरे बारे में? तो मैंने उनसे कहा कि वो सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी तो बेटा है, आप उसके रूहानी वालिद हैं। तो ज़ियाउल्लाह की आंखों में आंसू आ गए, उसकी आवाज़ भर आई और कहने लगे कि हज़रत अली ने सच कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। ये कहते हुए ज़ियाउल्लाह ने खुद को संभाला और ऊंची आवाज़ में कहा कि तुम्हारे बेटे ने 3 रोज़ पहले एहतसाब अदालत में सियासी तकरीर में इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि ना सिर्फ भुट्टो और बेनज़ीर की रूह को अदालत में बुलाया जाए, बल्कि मुझ समेत यानी ज़ियाउल्लाह समेत तमाम डिक्टेटर्स की रूहों को अदालत में तलब किया जाए, यानी जो इस दुनिया से डिक्टेटर्स जा चुके हैं उनकी रूहों को अदालत में तलब किया जाए, यानी और जो जिंदा है उनको भी तलब किया जाए, यानी अब वो मेरी रूह को अदालतों के चक्कर लगवाना चाहता है। कब से तुम्हारा बेटा इनकलाबी और नजराती बन गया है? उसे नहीं मालूम कि मैं भुट्टो को फांसी ना लगाता तो आज वो इत्तफाक फाउंड्री के छोटे से कमरे में बैठकर चंद लाख का कारोबार कर रहा होता? ये तो लाहौर से कौंसलर ना बन सकता, लेकिन मैंने उसे अपनी गोद में पाला और उसे इकतदार नसीब हुआ। जिस भुट्टो को ये खुद जाली शहीद कहता था, आज उसकी रूह को अपने दिफा में गवाही के लिए बुलाना चाहता है। बुला ले भुट्टो की रूह को, भुट्टो की रूह आकर यही कहेगी ना कि अगर नवाज शरीफ का रूहानी बाप मैं यानी ज़ियाउल्लाह भुट्टो को फांसी ना लगाता तो आज नवाज शरीफ लाहौर का एक छोटा सा ताजर होता। तुम्हारा बेटा नवाज शरीफ तो बेनज़ीर की रूह को भी बुलाना चाहता है। कौन है इसके मुशीर? इसे ये नहीं मालूम कि बेनज़ीर की रूह आ गई तो वो इस मुकदमे के अलावा कई मुकदमात में फंस जाएगा। बेनज़ीर नहीं बताएगी कि कैसे उसकी जाली फोश तस्वीर बनवाकर तुम्हारे बेटे नवाज शरीफ ने पूरे मुल्क में तकसीम कराई थी। बेनज़ीर ये नहीं बताएगी कि कैसे उसको हराने के लिए तुम्हारे बेटे नवाज शरीफ ने फौज से पैसे लिए थे। मुझे भी शौक से तलब करवाए, लेकिन मैं कम अज़ कम उस वक्त को जहन में रखूँगा जब वो मेरे जूते उठाया करता था। मैं वो वक्त नहीं भूलूँगा कि कैसे वो मेरे पाँव दबाया करता था। वो तो यानी नवाज शरीफ तो मेरे पाँव चूमना चाहता था, लेकिन मैं उसे रोक देता था कि मैं बहुत गुनहगार हूँ, मुझे शर्मिंदा ना करो, मैं पेश हो जाऊँगा, लेकिन उसकी खिदमात की लाज रखते हुए उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन भुट्टो और बेनज़ीर की रूहों की पेशी उसको महंगी पड़ेगी। ये कहकर ज़ियाउल्लाह मुझे हाथ मिलाए बगैर ही चला गया। बेटे नवाज, ये वो चंद बातें हैं जो लिख रहा हूँ। इसके अलावा भी ज़ियाउल्लाह ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं वो सब नहीं लिख रहा। मैं तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में नहीं गिराना चाहता। अच्छा, ज़ियाउल्लाह साहब का जो जिक्र है वो आजकल इसलिए भी रेलिवेंट है, कल फवाद चौधरी साहब ने दुरुस्त कहा कि इतनी तो गैरत होनी चाहिए बंदे में, इतना तो वो मोहसिन कुछ नहीं होना चाहिए, मोहसिनों को बुलाने वाला नहीं होना चाहिए कि जनरल ज़ियाउल्लाह की कबर पर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने किया है, कम अज़ कम नवाज शरीफ की जमात मजम्मत ही कर दे, मजम्मत तक नहीं की पीपल्स पार्टी की।
मियाँ शरीफ कहते हैं, वैसे तो तुम खुद को अकल कुल समझते हो, तुम्हें किसी के मशवरों की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे गिर्द एक दर्जन खुशामदी भी मौजूद हैं जो अपनी नौकरी पक्की करने के लिए झूठ बोल बोल कर तुम्हें सूली तक पहुँचवाएंगे, लेकिन फिर भी एक बाप होने की हैसियत से एक मशवरा देना चाहता हूँ। तुम खुद को नागुजीर मत समझो। तुम क्यों समझते हो कि तुम नहीं रहोगे तो शायद यह मुल्क भी नहीं रहेगा। मैं जब अपने कारोबारी मामलात को देखता था तो सोचकर परेशान होता था कि मैं जब दुनिया से चला गया तो कौन इस कारोबार को देखेगा, लेकिन तुमने देख लिया कि मैं तुम्हें एक इतफाक फाउंड्री देकर आया था और उसके बाद तुमने 5 बरआज़मों में अरबों की जायदादें बना ली। दर्जन से ज़्यादा ममालिक में तुम्हारे कारोबार हैं। बताना ये चाहता हूँ कि मेरे दुनिया से आने के बाद अगर कारोबार जल गया था तो तुम्हारे सियासत में ना होने से भी ये मुल्क चल जाएगा, लेकिन तुम्हारी दूसरी परेशानी भी समझ सकता हूँ कि तुम्हारी जायदादें, कारोबार और सारा माल अब ख़तरे में है। जहाँ तक मैं पाकिस्तान से आने वाली रूहों से सुनता हूँ, उनके मुताबिक इस वक्त वहाँ की अदालत अब वो अदालत नहीं रही जिसके जजेस को तुम फ़ोन करते थे। सुनता हूँ कि साकिब निसार चीफ जस्टिस है। इस वक्त वो अपने इकदाम की वजह से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मकबूल है। तुम अदलिया के ख़िलाफ़ लोगों को निकालने में नाकाम हो जाओगे। तुम अब ये जंग हारने के बिल्कुल करीब हो। लिहाजा मेरा मशवरा यही है कि तुम एक बार फिर कौम से खिताब करो, कौम को मुकम्मल सच बता दो। तुम्हारी जायदादें तो जब्त हो ही जाएंगी, जेल भी जाओगे, लेकिन खुद एतराफ़ करके कौम से माफ़ी मांग लो तो शायद अगली नस्लें तुम्हें कम बुरे अल्फाज में याद रखेंगी, वरना तुम्हारा हर आने वाला दिन पहले से बदतर होगा। एक बाप की हैसियत से ये बातें इंतहाई बोझल दिल के साथ लिख रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ, हकीकत यही है। ये वो ख़त था जो मैंने ये लिखा था कि मियाँ शरीफ का अपने बेटे नवाज़ शरीफ के नाम आलम अरवाज़ से ख़त। तो ये एक इसका वो मुझे याद आ गया और शुक्र है ये तहरीर मैंने गूगल पे सर्च की तो मुझे sas.pk से मिल गई, तो मैंने आपके सामने रखी। तो ये एक कुछ पॉइंट्स इसमें इम्पोर्टेंट थे इस सारे सिनेरियो में। तो ये चीज़ें बाकी भी जो आज डेवलपमेंट्स होंगी उन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकीम हम सब कहा नासरों, अल्लाह हाफिज़।